खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टिड़वा चिलौला लखीमपुर बाईपास सीतापुर। Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी मामले में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। शुक्रवार को सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव। फिर बात करेंगे सीतापुर के प्रेमनगर निवासियों ने लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री से की मुलाकात, बताया अपना दर्द। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अखिलेश यादव की नई मुसीबत बन सकती है पल्लवी पटेल, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में भाजपा नेता ने दिव्यांगजनों के शोषण का लगाया आरोप। सीतापुर में होली से पहले शुक्रवार को ही महमूदाबाद में ही खेली जाएगी होली। सीतापुर में खाद्य सुरक्षा दस्ते ने होटल मयूर पर मारा छापा। सीतापुर में निर्वाचन की उड़नदस्ता टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, मचा हड़कंप। लखीमपुर में सीएमओ ने 9 स्वास्थ्य कर्मियों का रोका वेतन, किया जवाब तलब। बदायूं कांड को लेकर शिवपाल यादव और संगमित्रा मौर्य में हुई तीखी जुबानी जंग। अवैध असलहों के ऑनलाइन कारोबार का यूपी पुलिस ने किया भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव में आसान नहीं होगा डमी प्रत्याशी का फायदा उठाना, आयोग ने कसी कमर। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर जनपद न्यायालय से बड़ी खबर है, किसी साइबर अपराधी द्वारा SC ST कोर्ट के स्पेशल जज रामविलास सिंह को CBI अफसर बनकर धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि व्हाट्सएप ऐप से कॉलिंग कर किसी साइबर ठग ने न्यायाधीश को तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में SP चक्रेश मिश्रा से शिकायत के बाद साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या है यह मामला, पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया चैनल पर देख सकते हैं। आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद के सीतापुर जेल पहुंचकर सपा नेता आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी चर्चाओं के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का आजम खान से मुलाकात का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। जानकारी मिल रही है कि सपा मुखिया 22 मार्च को सीतापुर जिला कारागार में आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। चर्चा हो रही है कि इस दौरान आजम खान का गढ़ रामपुर लोकसभा सीट और मुरादाबाद सहित आसपास की कई सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर भी दोनों नेताओं में बात हो सकती है। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी न होने की बात कही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अपुष्ट सूचना के आधार पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रवार दोपहर को सीतापुर आ सकते हैं। सीतापुर से सटे लखनऊ के बख्शी तालाब में SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भाजपा की मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता के रूप में सुधांशु त्रिवेदी ने मौजूद पार्टी के
मीडिया प्रभारियों को चार बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया कि जो नकारात्मक लेखन और सकारात्मक लेखन कर रहा है तो सकारात्मक लेखन करने वालों को स्थानीय जनप्रतिनिधि से सम्मानित अवश्य कराइए। कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री संजय राय, अवध क्षेत्र अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, लखनऊ जिलाध्यक्ष विनय सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे, सीतापुर MLC पवन सिंह चौहान और SR ग्रुप के वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान मौजूद रहे। बिस्वा के बन्नी खरेला स्थित पंचायत भवन में चल रहे NSS के विशेष 7 दिवसीय शिविर का समापन हो गया है। मझगवा के ब्रजमोहन शकुंतला देवी इंटर कॉलेज की NSS इकाई द्वारा आयोजित इस शिविर का समापन विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर सुधाकर वर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर विंद्रा प्रसाद धुरिया, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन वर्मा, प्रधानाचार्य दिवाकर वर्मा और NSS के कार्यक्रम अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा तथा पुष्पेंद्र वर्मा की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नंदकिशोर कैलाश चंद्र महाविद्यालय टिकरा के निदेशक संतोष वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में OSD डॉक्टर राहुल वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा ने NSS के कार्यों को बताया। शत्रु संपत्ति का दंश झेल रहे सीतापुर के मोहल्ला प्रेमनगर वासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने लखीमपुर जाकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से मुलाकात की और अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन दिया। इस मौके पर मंत्री ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर जल्द ही प्रकरण के समाधान का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री से इस मुलाकात में लखीमपुर की सिंधी समाज भी पीड़ितों के साथ खड़ा दिखाई दिया। इस दौरान सीतापुर सिंधी समाज के मुखिया ताराचंद मंगलानी, डॉक्टर अर्जुन लाल सिंधी, शिव कुमार रहेजा, गोपाल चंदानी, संजय मिलवानी, अमित बड़ेरा, तरुण वासवानी, प्रताप महेश पमनानी, ओम तेजवानी, अरविंद अनेजा, राकेश त्रिपाठी, लखीमपुर सिंधी समाज के अशोक तेलवानी, सचिव अमित केशवानी तथा कोषाध्यक्ष विकास धमेजा मौजूद रहे। सीतापुर में भाजपा के दिव्यांग प्रकोष्ठ द्वारा निर्वाचन आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक प्रवीण कुमार सिन्हा ने प्रेस नोट के जरिए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय तथा CMO कार्यालय में जिले भर के दिव्यांगजनों का शोषण हो रहा है, उसे रोका जाए। महमूदाबाद के श्री शंकटा देवी धाम स्थित खाटू श्याम मंदिर में श्याम परिवार द्वारा फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में आयोजित भजन संध्या के दौरान कई मशहूर गायकों ने श्याम भक्तों को आनंदित किया। इसका संचालन आदित्य पंडित ने किया। भजन संध्या के आयोजन में प्रवीण अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, नारायण दास अग्रवाल और सुशील अग्रवाल आदि का मुख्य योगदान रहा। भजन संध्या का शुभारंभ मशहूर भजन गायक शिवम ने किया। इसके अलावा सोनी शर्मा, सनी सोनी, आदित्य पंडित और लालू रंगीला आदि भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर धाम समिति अध्यक्ष R.K. वाजपेयी, डॉक्टर A.M. मिश्रा, सुरेश वर्मा, सतीश गुप्ता, RJ वर्मा, चंद्रकांत रस्तोगी, श्रवण वर्मा, रजत रघुराल, किरण वाजपेयी, विनोद पांडे, विवेक पोरवाल, सरोज शुक्ला, रवि अवस्थी और पीयूष वर्मा मौजूद रहे। महमूदाबाद स्थित श्री संकटा देवी धाम समिति अध्यक्ष R.K. वाजपेयी ने बताया कि शुक्रवार की शाम 7:30 बजे से भजन संध्या के साथ फूल इत्र गुलाल की होली खेली जाएगी। उन्होंने बताया कि महमूदाबाद नगर में पहली बार होने वाला यह कार्यक्रम धाम परिसर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर पर मंदिर संस्थापक चंद्रकांत रस्तोगी व उनके परिवार द्वारा आयोजित किया जाएगा। सीतापुर में तीर्थनगरी मिश्रिक नामिषाण की पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा का समापन होते ही पंचकोसीय परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। 21 मार्च को शुरू हुई इस परिक्रमा का समापन 25 मार्च को होलिका दहन के साथ होगा। इस परिक्रमा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति 84 कोसी परिक्रमा में नहीं शामिल हो पाते हैं वह व्यक्ति पंचकोसीय परिक्रमा में शामिल हो जाए, उसे पूरी परिक्रमा का लाभ मिलता है। सीतापुर के खाद्य सुरक्षा दस्ते ने रसेउरा स्थित जिले के मशहूर होटल मयूर पर छापेमारी की है। बता दें, होली पर्व के मद्देनजर जहां एक और मिलावटखोर सक्रिय है, वहीं सीतापुर जिले का खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन भी लगातार एक्टिव बना हुआ है। जिले के अभियुक्त अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि परिवर्तन दस्ते की टीमों द्वारा 21 मार्च को कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बिस्वा में नायब तहसीलदार जितेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में खोया, छेना, बर्फी, पनीर और रंगीन कचरी आदि के 7 नमूने भरे गए। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश सिंह पटेल, सोमनाथ प्रभु कुमार चौधरी, संदीप सिंह और सुभाष यादव मौजूद रहे। दूसरी टीम द्वारा मिश्र के परसदा से पापड़ का एक नमूना भरा गया। वहीं रसेउरा के मयूर होटल से बेसन और पनीर का एक नमूना भरा गया। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार, विनय कुमार, राजेंद्र प्रसाद और प्रीति वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर में अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान
पीएन सहगल कॉलेज के प्रवक्ता जे एन तिवारी, सूर्यदत्त आनंदी सहगल कॉलेज खैराबाद के प्रवक्ता दिलीप वर्मा और आदित्य सक्सेना अतिथि के रूप में मौजूद रहे और स्मार्टफोन की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इंस्टीट्यूट के प्रशासक हरिनाम सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने अतिथियों को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी अशोक प्रजापति ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर मोइन अहमद, राघवेंद्र सिंह, आशीष शुक्ला, रितेश दीक्षित, रंजना वैस, डॉक्टर अर्षा कृष्णन, डॉक्टर शहनाज बानो, ऋचा मिश्रा और वर्तिका श्रीवास्तव का सराहनीय योगदान रहा। सीतापुर स्थित किड्जी में ग्रेजुएशन सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की MD मंजू जिंदल ने किया। इस दौरान बच्चों ने स्वागत भाषण के बाद विभिन्न मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिनमें उनके अभिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। MD मंजू जिंदल ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ओरिएंटेशन तथा स्कॉलर और सेक्रेटरी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य ने आए हुए अभिभावकों को विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के बारे में बताया और उनके सवालों का जवाब भी दिया। इस मौके पर विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया, मंजू सिंघानिया और हर्षलीन त्रिपाठी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलर पुरस्कार और कक्षा में 100% उपस्थिति के लिए सेक्रेटरी पुरस्कार वितरित किया गया। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में स्कॉलर पुरस्कार से अयांश अग्रवाल, अहान सिंह, आयुषी यादव, अक्रिश अग्रवाल, अमन वर्मा, प्रियांशु पाल, गौरांग वाजपेयी तथा सृष्टि चतुर्वेदी को और सेक्रेटरी पुरस्कार से आर्य विक्रम, वंशिका वाजपेयी, अथर्व प्रताप सिंह, अंश प्रजापति, अभिषेक मिश्रा, सृष्टि चतुर्वेदी और लावारण्या मिश्रा को सम्मानित किया गया। होली और ईद जैसे आगामी त्योहारों को लेकर थाना हरगांव में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी ने त्योहारों में आपसी सौहार्द बनाए रखने और रंगों का त्यौहार मिलजुल कर मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों का कर्तव्य है कि वह बच्चों पर भी नज़र बनाए रखें ताकि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या हुड़दंग ना होने पाए। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे ने मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सब मिलकर ऐसा प्रयास करें कि होली दहन आदि को लेकर क्षेत्र में कहीं कोई विवाद ना होने पाए। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, अमित सिंह, अवधेश वर्मा, मुन्ना वीरेंद्र मिश्रा, अरुण त्रिपाठी, मोहम्मद अनीस खान, हारून कुरैसी, सेरा सिंह, अनुपम सिंह, अब्बास अली, रईस आलम और मोहम्मद अकील मौजूद रहे। महमूदाबाद के न्यू विजन पब्लिक इंटर कॉलेज में 30 मार्च से डिजिटल क्लासेस शुरू होंगी और इस मौके पर वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। संस्था मैनेजर अहमद अंसारी ने बताया कि उनका विद्यालय क्षेत्र का पहला ऐसा विद्यालय होगा जहां पर बड़े डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। सीतापुर में जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने गौरिया स्थित जल शोधन प्लांट का भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों ने पानी के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा। बता दें, संस्थान चेयरमैन अरुण कुमार सिंह और लेखा अधिकारी अशोक कुमार सिंह की प्रेरणा पर संस्थान द्वारा हर महीने विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक विजिट का आयोजन किया जाता है। गौरिया प्लांट की विजिट के दौरान संस्थान डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी और डॉक्टर सुजीत गुप्ता मौजूद रहे। थानगांव क्षेत्र की गौपालकों और गौ सेवकों द्वारा गौ प्रतिष्ठा पद यात्रा आयोजित की गई। यात्रा थानगांव के शीतला देवी मंदिर से शुरू होकर रेउसा ब्लॉक पहुंची, जहां पर BDO विवेक मर त्रिपाठी को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने, बैलों से खेती करने वालों को प्रोत्साहित करने और गाय को पशु मंत्रालय से अलग कर गौ मंत्रालय बनाए जाने की मांग की है। ज्ञापन देते समय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, केशव राम शुक्ला, नरपत सिंह, रविशंकर मिश्रा, ब्रजेश यादव, राजकुमार शिवानाग, ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी, संतोष सिंह, आलोक वाजपेयी, अंगद शंकर शुक्ला, सतीश कुमार मौर्य, विशाल सिंह, वीरेंद्र सिंह और अमरेंद्र वाजपेयी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन के उड़नदस्ते द्वारा लहरपुर नगर के बिस्वा तिराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम प्रभारी डिप्टी रेंजर हरीश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में आने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच पड़ताल की गई। व्यस्त मार्ग पर चेकिंग शुरू होते ही वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और तमाम वाहन चालक चेकिंग से बचने के लिए दूसरे मार्गों की ओर जाते नजर आए। लहरपुर ब्लॉक के गूरेपारा मानपुर में बन रहे पंचायत भवन का ADO पंचायत जयप्रकाश ने निरीक्षण किया। इस पंचायत भवन को लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र बनाया गया है। इसे देखते हुए ADO पंचायत ने सभी कार्यों को 2 दिन में पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए हैं। इस दौरान विष्णु गुप्ता और अन्य कर्मी मौजूद रहे।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए। देखते रहिए आप खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यहीं। मोहाली सीएससी प्रभारी डॉक्टर इमरान अली के प्रयासों से मोहाली सीएससी पर ऑपरेशन थिएटर शुरू हो गया है। गुरुवार को शाम 5 बजे लेडी डॉक्टर देवीना ने मूड़ा हरि निवासी अर्चना देवी पत्नी अवधेश गौतम का ऑपरेशन के जरिए पहला सुरक्षित प्रसव कराया। इस दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर इमरान अली, डॉक्टर अब्बास और एनेस्थेटिक डॉक्टर हामिद भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर इमरान अली ने क्षेत्रीय नागरिकों से अपील की है कि उनके घर परिवार या जानकारी में किसी प्रसव के लिए सर्जरी की जरूरत बनती है तो वह सीधे सीएससी आए और सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त करें। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के शिक्षक प्रीमियर लीग की ट्रॉफी इस वर्ष कफारा 11 ने जीत ली है। गुरुवार को रमिया बेहड़ में आयोजित फाइनल मैच कफारा 11 व लखाही 11 के बीच खेला गया। टॉस जीतकर लखाही 11 के कप्तान धर्मेश कफारा 11 को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कफारा 11 ने निर्धारित 16 ओवर में 148 का लक्ष्य दिया। जवाब में लखाही 11 के शुरुआती विकेट जल्दी गिरे और टीम 24 रन से मैच हार गई। मैच के बाद बीओ रम्या बेहर धर्मेश यादव ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान शशिकांत वर्मा, हरिओम अवस्थी, परशुराम, उपेंद्र शुक्ला, योगेश वर्मा आदि मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर लखीमपुर खीरी के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। सहायक खाद्य आयुक्त कौशलेन शर्मा ने बताया कि गुरुवार को टीम ने गोटैया बाग, निघासन, मोहम्मदी, मितौली व कस्ता में छापेमारी की है। इस दौरान खाने पीने की दुकानों में से कुल 15 नमूने कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा 15 किलो रंगीन कचरी भी जब्त की गई है। गुरुवार को लखीमपुर में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने निरीक्षण में गैर हाजिर पाए गए 9 स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोकते हुए जवाब तलब किया है। दरअसल सीएमओ ने सीएमएस डॉक्टर आई के रायचंदानी के साथ जिला अस्पताल लखीमपुर की एमसीएच विंग ओएल का निरीक्षण किया। सीएमओ ने माथादों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान हाजिरी रजिस्टर का मिलान करने पर 9 स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिले। इस पर सीएमओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई की है। लखीमपुर में प्रसिद्ध संकटा देवी मंदिर जाने वाले मार्ग के जर्जर हालात जान जोखिम का सबब बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस सड़क के गड्ढों में आए दिन रिक्शे पलटने और राहगीरों के चोटिल होने की खबरें आम होने के बावजूद सड़कों को सही नहीं किया जा रहा है। बीते दिनों एक राहगीर के चोटिल होने का वीडियो वायरल होने पर जमकर किरकिरी हुई थी, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्ण को भी मात देने में लगे हुए हैं। यूपी में अपना दल कमेरावादी सपा गठबंधन से अलग होकर 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ा कदम उठाया है। सपा प्रमुख ने गुरुवार को साफ कह दिया है कि अपना दल कमेरा से उनका कोई गठबंधन नहीं है। दरअसल अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बुधवार को सपा से बगावत का बिगुल फूंक दिया था। पल्लवी पटेल की मां तथा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने यूपी की 3 लोकसभा सीट मिर्जापुर, फूलपुर और कौसाम्बी पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बता दें, राज्यसभा चुनाव के समय से ही अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के रिश्ते सहज नहीं चल रहे थे। यूपी में इस समय बदायूं कांड चारों तरफ गूंज रहा है, इसे लेकर यूपी की सियासत भी गर्म हो रही है। अब इसे लेकर बदायूं से सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव और बदायूं की मौजूदा भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के बीच तीखी जुबानी जंग सामने आई है। दरअसल शिवपाल यादव ने इस कांड को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और लॉ एंड ऑर्डर को फेल बताया था। सपा नेता के इस बयान पर संघमित्रा मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवपाल यादव को पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए। उनके समय में सपा प्रत्याशी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहर बाग कांड के मुख्य सूत्रधार तो वही है जो अभी सपा के बदायूं से उम्मीदवार हैं। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के इस बयान से सपा नेता शिवपाल यादव भड़के हुए हैं। इस बीच बदायूं में सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए संघमित्रा मौर्य की शिकायत की है। इसमें संघमित्रा के बयान को अमर्यादित और असंवेदनशील टिप्पणी करार देते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। सपा की ओर से संघमित्रा का वीडियो भी शिकायत के साथ सौंपा गया है।
भाजपा के विरोधी दल जहां अभी सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों में उलझे हुए हैं, वहीं भाजपा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की ओर बढ़ रही है। कहा जा रहा भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को जगह मिल सकती है। चर्चा यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बुलेट ट्रेन के कई प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इनमें से कई पूरे हो गए हैं और कई पर तेजी के साथ काम चल रहा है। जानकारी मिल रही कि बुलेट ट्रेन के 7 कॉरिडोर को लेकर काम शुरू हुआ है और भाजपा इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में 2 या 3 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शामिल कर सकती है। यूपी में रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर बना सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा कि सोनिया गांधी द्वारा खाली की गई सीट पर उनकी बेटी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी के कांग्रेस नेता भी रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को पार्टी के लिए संजीवनी बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव में उतरने की दशा में भाजपा किसे उतारेगी, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। कहा जा रहा भाजपा भी किसी हाई प्रोफाइल नेता को रायबरेली के चुनावी समर में उतार सकती है। इन सबके बीच भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री नुपुर शर्मा को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की बातें सामने आ रही हैं। भाजपा ने यूपी के 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस कड़ी में यूपी सरकार के पूर्व कबीना मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा बुलंदशहर निवासी राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को हरियाणा का सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी बनाए गए धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ जाते समय अमेठी बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव की अगुवाई में तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धर्मेंद्र यादव सपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे हैं। बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के मामले में अपने पूर्व जिला अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया है। मामला बरेली का है। बसपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी कि लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने लोकसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन असलहे तैयार कर बेचे जाने के मामले का भंडाफोड़ किया है। मामला मेरठ जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बंद पड़े घर में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में बने अधबने अवैध असलहे और असलहे बनाने के उपकरण आदि बरामद किए गए हैं। मौके से दबोचे गए एक सप्लायर ने पुलिस को बताया कि असलहा बनाने से लेकर बेचने तक का सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉल पर असलहों के ऑर्डर पर लिए जाते थे और उन्होंने 7 से 8 हजार रुपए में बेचा जाता था। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 7 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण में आने वाली सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च को लेकर प्रत्याशियों की नकेल कसने की बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल चुनाव आयोग के संज्ञान में आ चुका है कि कुछ पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी खर्च की सीमा से कहीं अधिक पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए डमी कैंडिडेट खड़े करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसे लेकर केंद्र और राज्यों को सख्त हिदायत दी है कि कुछ पार्टियां डमी कैंडिडेट खड़ी करती हैं। डमी कैंडिडेट के नाम पर वह संसाधनों, वाहनों और दूसरी सामग्रियों का अपने मुख्य उम्मीदवार के लिए प्रयोग करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के इस कड़क रुख को देखते हुए चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जिला स्तर पर 9 टीमें गठित की जाएंगी जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब किताब रखेंगी। उनके साथ में केंद्र और राज्यों की 25 एजेंसियों को भी लगाया जाएगा। अगर कहीं पर छापा मारने या धरपकड़ करने की नौबत आती है तो ईडी, आईटी, बीएसएफ, लोकल पुलिस सहित 2 दर्जन एजेंसियां बिना देरी किए मौके पर पहुंचेंगी। प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए व्यय पर्यवेक्षक, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, उड़नदस्ता, स्टैटिक निगरानी टीम, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो परीक्षण करने वाली टीम, लेखा टीम, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति तथा जिला व्यय निगरानी समिति का गठन किया गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने लोकसभा चुनाव के दौरान बैनर, पोस्टर और झंडों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा कोई भी पार्टी या प्रत्याशी बिना व्यक्ति की अनुमति लिए उसकी जमीन या भवन पर पोस्टर, झंडा और बैनर नहीं लगा सकेगा। सीडीओ ने कहा किसी भी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा जहां दूसरे दल द्वारा बैठक आयोजित की जा रही हो। इसी के साथ किसी दल के पोस्टर को दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया नहीं जा सकेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान धन बल के प्रयोग की सूचनाओं पर चुनाव आयोग गंभीर हो गया है। आयोग ने निर्वाचन के दौरान हर बैंक खाते से होने वाले बड़े लेन देन पर पैनी नजर रखने की तैयारी की है। इसके तहत बैंकों को 1 लाख या उससे ज्यादा की जमा निकासी का ब्यौरा जिले के निर्वाचन अधिकारी से साझा करना होगा।
अगर किसी खाते से पिछले दो महीने में कोई जमा निकासी ना की गई हो तब यह जानकारी देना और भी जरूरी होगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने एक बैठक के दौरान बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत निकासी की रकम 10 लाख से अधिक होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना आयकर विभाग को देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी चुनाव खर्च के लिए अलग अलग खाता खोलेगा। वह यह खाता अपने नाम से या एजेंट के साथ संयुक्त नाम से भी खोल सकेगा। बैंक खाता नामांकन के दिन पहले तक खोला जा सकेगा। खाता खोलने पर बैंकों द्वारा प्रत्याशी को 200 पन्नों वाली नॉन पर्सनलाइज चेकबुक जारी करनी होगी और किसी खाते से संदेह लेन देन की जानकारी तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। तमाम निजी वाहनों का प्रयोग बैंकों की कैश वैन के रूप में किया जाता है। आमतौर पर यह वाहन किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल से मुक्त रहते हैं, लेकिन चुनावों के दौरान उनके संभावित दुरुपयोग को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने बैंकों की नकदी लाने ले जाने के भी मानक तय कर दिए हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान बैंकों द्वारा नकदी लाने ले जाने को लेकर अपने ESMS पोर्टल से QR रसीद जारी करनी होगी, जो कि नकदी ले जा रहे वाहन के साथ जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के पास रहेगी। आने जाने में निगरानी दल या किसी जांच टीम द्वारा रोके जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी को वह QR कोड रसीद दिखानी होगी। यदि जांच में नकदी की जानकारी QR रसीद से मेल नहीं खाती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। सीतापुर में लोकसभा निर्वाचन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में मिश्रिख सिधौली और महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण के बाद बैठक का आयोजन किया गया। CDO निधि बंसल ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की नियमावली का भली प्रकार अध्ययन करते हुए उसके 100% अनुपालन का निर्देश दिया। इस बैठक में ADM नीतीश कुमार सिंह और DDO हरिश्चंद प्रजापति सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर जिले से संबंधित 3 लोकसभा सीट सीतापुर मिश्रिख और धौरहरा की नामांकन प्रक्रिया चौथे चरण में यानी कि 18 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं सीतापुर से जुड़ी चौथी लोकसभा सीट मोहनलालगंज की नामांकन प्रक्रिया 5वें चरण में यानी कि 26 अप्रैल से शुरू होगी। जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए इसे लेकर DM अनुज सिंह और SP चक्रेश मिश्रा के नेतृत्व में समूचा प्रशासनिक और पुलिस अमला लगातार एक्टिव है। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम सीतापुर नगर में आयोजित किया जाएगा। दरअसल सीतापुर शहर के सरोजनी वाटिका में फर्स्ट टाइम वोटर को जागरूक करने के लिए संदेश सवाल स्थापित की गई है। 22 मार्च को यहीं पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पहली बार मतदाता बने युवाओं से वॉल पर अपना संदेश अंकित करने की अपील की गई है। यूपी में कांग्रेस की पहली सूची कभी भी आ सकती है। गुरुवार को दिल्ली में CAC की बैठक में यूपी के 10 प्रत्याशियों के नाम तय हुए हैं। वाराणसी से अजय राय, झांसी से प्रदीप जैन, अमरोहा से दानिश अली, सहारनपुर से इमरान मसूद, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बाराबंकी से तनुज पुनिया का लड़ना करीब करीब तय है। राजबब्बर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की जल्द घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही गांव, गली, मोहल्लों से लेकर शहरों के चौराहों तक राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री जब्त कर ली जाएगी। यही नहीं, सरकारी कार्यालयों से भी PM और CM के फोटो हटा दिए गए हैं। लेकिन इन खाद की बोरियां क्या करें जिन पर PM नरेंद्र मोदी का फोटो छपा है। ऐसी बोरियां सीतापुर जिले में लगभग सभी खाद की दुकानों पर धड़ल्ले से बेची खरीदी जा रही हैं। लोग इसे आचार संहिता उल्लंघन बता रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।